दिसंबर के महीने में कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। वैसे नवंबर स्लोएस्ट मंथ रहा, ना ज्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए ना कोई ऐसी खास अपडेट्स आई हमारे पास, लेकिन अब पेस थोड़ा बढ़ रहा है और इस मंथ काफी स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। कुछ तो चाइना में लॉन्च हो चुके हैं पहले और वो दिसंबर एंड तक आ जाएंगे इंडिया में हमारे पास भी, बाकी जनवरी में लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए पहले बात करते हैं जो हमारे दिसंबर में लॉन्च होने वाले हैं फोन्स, बताऊंगा कौन से फोन्स हैं। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड दिस इज अनकट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैगशिप लेवल के जो स्मार्टफोन्स आने वाले हैं 50,000 के ऊपर के प्राइस पॉइंट पर जो लॉन्च होंगे इंडिया में। सबसे पहले वीवो का कैमरा सेंट्रिक फ्लैगशिप लॉन्च होने वाला है। वीवो एक्स सीरीज की अपकमिंग X100 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें X100 और X100 प्रो दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा वीवो। ये दोनों मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं और X100 प्रो प्लस जब आएगा वो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के साथ आएगा। LPDDR5T रैम टाइप है इसका, 50+50+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5400 mAh की बैटरी, 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग होने वाली है इसमें। ये दिसंबर एंड तक लॉन्च हो जाएगा इंडिया में और मिड दिसंबर से इसके टीजर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। वैसे आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि हम सबको पता है वीवो एक्स सीरीज का कैमरास कितना फाड़ होते हैं। अब जो नेक्स्ट फोन है ना हमारे पास, ये है Realme GT5 Pro, वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन आउट देयर। इसका GT5 वेरिएंट काफी पहले ही मार्केट में आ चुका था, हम सब देख ही चुके थे इसे, अब बारी है प्रो वेरिएंट की। 24GB रैम होने वाली है इसके अंदर, 1TB स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 ही होने वाला है, 5400 mAh की बैटरी रहेगी, इसमें भी 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग होगी। Wi-Fi 7 का सपोर्ट होगा, बट चेरी ऑन द टॉप इज 24GB रैम। वैसे चाइना में ये लॉन्च हो चुका है और दिसंबर मिड या दिसंबर एंड तक इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज iQOO 12, इसकी लॉन्च डेट आ गई है, 12/12 को iQOO 12 लॉन्च होगा। हाँ जी, 12 दिसंबर को iQOO 12 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। 6.7 इंचेस 1.5 के AMOLED डिस्प्ले रहेगी इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें भी 8 Gen 3 होगा और 24GB तक रैम होगी इसके अंदर, 1TB की स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी, 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, 50+50+64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और इसके अंदर 100x जूम का सपोर्ट भी होने वाला है। Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट भी मिलेगा हमें इसके अंदर। एंड सबसे बड़ी चीज ये भी है कि इट इज ऑफिशियली द फर्स्ट फोन टू बी लॉन्च्ड विद 8 Gen 3 इन इंडिया। सबकी नजर iQOO 12 पर होने वाली है जब वो इंडिया में लॉन्च होगा। वैसे एक और क्रेजी 12 आने वाला है इंडिया के अंदर, थोड़ा सा डिलेड होगा ये चाइना में क्योंकि 4th दिसंबर को लॉन्च होगा। बात कर रहा हूँ मैं OnePlus 12 की। बड़ी डिस्प्ले होने वाली है इसके अंदर, 6.82 इंचेस की 2K BOE LTPO डिस्प्ले होगी इसके अंदर, सेम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आएगा ये। अप टू 24GB रैम इसमें भी देखने को मिलेगी हमें, 50+48+64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा, 5400 mAh की बैटरी मिलेगी हमको इसके अंदर, 4 दिसंबर को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। और दिसंबर में ये इंडिया में नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दूं, प्रोबेबली जनवरी एंड या फेब की स्टार्टिंग में ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। सो दीज आर द बिग फोन्स, मच अवेटेड फ्लैगशिप फोन्स जो लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में जल्द ही। चलो अभी बात करते हैं मिड रेंज फ्लैगशिप फोन्स की, मिड रेंज बजट प्रीमियम स्मार्टफोन्स जो कि 40,000 से नीचे रहते हैं प्राइस के अंदर। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ओप्पो रेनो 11 सीरीज। यस, अलग अलग फोन्स होंगे इसके अंदर, डायमेंसिटी 8200 होने वाला है रेनो 11 में, और जो प्रो मॉडल है उसमें मिलेगा हमको 8+ Gen 1, 1400 mAh की बैटरी होगी, 67 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग और प्रो वेरिएंट में हमको मिलेगी 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। चाइना में लॉन्च हो गया है नवंबर में और दिसंबर में यहाँ इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। वेल, अभी तक तो यही है कि ये दो फोन ही लॉन्च होने वाले हैं सीरीज में इंडिया के अंदर जैसा बताया जा रहा है, या फिर एक पॉसिबिलिटी और है कि प्रो प्लस वेरिएंट जो है वो भी लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर, बाकी देखते हैं जब इसके टीजर्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। एक और फोन जो इस सेगमेंट में आने वाला है वो है Honor 100 सीरीज। इसमें Honor 100 और Honor 100 प्रो होने वाले हैं। 6.78 इंचेस की कर्व डिस्प्ले होगी इसके अंदर 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 7 Gen 3 प्रोसेसर होने वाला है इसमें। 7 Gen 3 वैसे अभी कुछ समय पहले ही आया था और वो जो इसका प्रो वेरिएंट है ना उसमें हमको मिलेगा 8 Gen 2। अप टू 16GB रैम, 512GB स्टोरेज और इसका भी सेम है, नवंबर में चाइना में लॉन्च हो गया है, दिसंबर में इंडिया में आने वाला है। अब थोड़ा मिड रेंज की तरफ आते हैं, 20,000 से 30,000 के बीच में जो फोन्स आते हैं वो बताता हूँ कौन से इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा Redmi का मोस्ट पॉपुलर Redmi की K सीरीज। Redmi की K70 सीरीज लॉन्च होने वाली है और वो रीब्रांड होकर इंडिया में Poco F6 के नाम से आएगी। 6.67 इंचेस की फ्लैट AMOLED डिस्प्ले 122Hz रिफ्रेश रेट के साथ। इसके प्रो वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आएगा और डायमेंसिटी 8300 इसके बेस वेरिएंट में मिलेगा हमको। 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, 90 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग होगी इसके अंदर। चाइना में लॉन्च हो गया है नवंबर में, इंडिया में आने वाला है दिसंबर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली। चलो अभी बात करते हैं बजट सेगमेंट की। अब अंडर 20,000 जो स्मार्टफोन्स आने वाले हैं इंडिया के अंदर, सबसे पहले रीब्रांड करके पोको लॉन्च करने वाला है X6 Neo और पोको X6 Pro को।
इसमें 6.67 इंचेस की डिस्प्ले होगी, नियो में फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी हमको, प्रो में कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले होने वाली है। स्नैपड्रैगन 7S जेन 2 प्रोसेसर होगा, 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होगा नियो में, और जो प्रो है उसके अंदर होगा 200+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का इसमें मिलने वाला है हमको सेल्फी कैमरा। वैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि अंडर 20,000 के फोन में अगर हमको ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। सो दीज आर द फोन जो लॉन्च होंगे नियर डिसंबर। वैसे आप किस फोन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है वो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लो।